हेलो फ्रेंड्स, माय इंडियन किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं स्वीट कॉर्न सूप। आप तो जानते ही हैं कि चाइनीज खाने में बहुत कम मसाले पड़ते हैं और कॉर्न हर मौसम में आपको मिल जाते हैं, अगर आप ताज़े कॉर्न लाते हैं। वैसे बाहर स्वीट कॉर्न के टिन मिलते हैं, लेकिन वो खोलने के बाद तुरंत उसका इस्तेमाल करना होता है। और कॉर्न जो होते हैं वो बहुत सस्ते मिलते हैं बाजार में। दो भुट्टों के आप दाने निकालें और तीन भुट्टों को कद्दूकस कर लें। इस तरह से घर में बहुत ही अच्छा कॉर्न सूप बन सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए लगने वाली सामग्री। दो भुट्टों के दाने लिए हैं स्टीम किए हुए, उसके बाद दो भुट्टों को कद्दूकस कर लिया है, उसके बाद मिक्सर में उसका पेस्ट बना लिया है। एक गाजर और शिमला मिर्च स्टीम कर ली है। फूल गोभी ली है आधी कटोरी, हरी प्याज आधी कटोरी, बारीक कटा हुआ धनिया लिया है 2 चम्मच, शक्कर है आधी चम्मच, स्वादानुसार नमक, व्हाइट पेपर पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच मैदा, कॉर्नफ्लावर 4 चम्मच, पत्ता गोभी ली है बारीक कटी हुई आधा कटोरी। तो चलिए बनाते हैं कॉर्न सूप। उसके लिए हमें पानी लगने वाला है। 1 लीटर पानी हम गैस पर उबलने के लिए रखेंगे। गैस के ऊपर मैंने पतीला लिया है 2 लीटर का, उसमें आधा भर के पानी लेंगे, मतलब 1 लीटर पानी लेंगे। इस पानी को हमें अच्छी तरह से उबालना है, मतलब कम से कम 2-3 उबाल ले लेना है। पानी उबलना जरूरी है। ये डिश बहुत ही पौष्टिक है। इसमें सिर्फ पानी और वेजिटेबल्स हैं और सॉसेस हैं। तो हमें इसमें तेल बिल्कुल नहीं डालना है। तेल का इस्तेमाल कम होने से ये डाइटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। कि घर में कोई बीमार है तो वो भी इसका सेवन कर सकता है। और स्वीट कॉर्न सूप से मुंह का स्वाद भी बदल जाता है। तो पानी हमने उबालने के लिए रखा है, जिसे हमें बहुत देर तक उबालते रहना है। तो चलिए इसे उबलने देते हैं। जितना पानी को आप उबालेंगे उतना ही सूप का स्वाद अच्छा आएगा। तो देखिए हमारा पानी गर्म हो चुका है और हमारे पानी में उबाल आने लग गया है। उबाल आने के बाद हमने इसमें कॉर्न डालना है। हमने 2 भुट्टों के दाने लिए हैं इसमें। दाने निकालते वक्त आप इसे हाथों से ना निकाल के छुरी से निकालें तो अच्छा रहेगा, और जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। इसके बाद मैं कद्दूकस किया हुआ कॉर्न डाल रही हूँ। कॉर्न का मैंने मिक्सर में पेस्ट बना लिया है। इसके बाद स्वादानुसार इसमें नमक डालना है, नमक, व्हाइट पेपर पाउडर 1/2 चम्मच, शक्कर 1/2 चम्मच। इसमें ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ शक्कर, नमक और व्हाइट पेपर पाउडर। इसका अनुपात आप बढ़ा सकते हैं। कॉर्न पकने के बाद व्हाइट हो जाता है, तो इसमें हम काली मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे, व्हाइट पेपर पाउडर डालेंगे। इसका कलर ना बदल पाए इसके लिए हम व्हाइट पेपर पाउडर ही यूज करेंगे। व्हाइट पेपर पाउडर डाला है, इसके लिए कलर वैसा का वैसा ही है। इसके बाद हमें कॉर्न फ्लावर की पेस्ट बनानी है। आप इसमें मैदा 1 ही चम्मच डालें। कॉर्नफ्लावर आप थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि उससे स्वाद नहीं बिगड़ता, लेकिन मैदे के मामले में ऐसा नहीं है। आप इसमें अपने मर्जी अनुसार पानी बढ़ा सकते हैं और कॉर्नफ्लावर भी बढ़ा सकते हैं, मतलब आप अपने स्वाद के अनुसार इसे बना सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें कॉर्नफ्लावर की पेस्ट डालनी है। जैसे ही आप इस पेस्ट को डालेंगे, वैसे वैसे ये सूप जो है वो गाढ़ा होने लगेगा। कॉर्न भी इसमें दिख रहे हैं, कॉर्नफ्लावर की पेस्ट भी है और कद्दूकस किए हुए भी कॉर्न्स डाले हैं। इसमें 1-2 उबाल लाने हैं आपको। इसके बाद आप जो चाहते हैं वो सब्जियां डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर गाजर ली है और शिमला मिर्च ली है और थोड़ी सी फूल गोभी डाल रही हूँ। सूप का रंग सफेद होने की वजह से सब्जियों का रंग बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद पत्ता गोभी 1/2 कटोरी और हरी प्याज, नमक, शक्कर और व्हाइट पेपर पाउडर, इतना ही इसमें मसाला है।
आप बच्चों को आराम से दे सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है और बटर भी नहीं है, थोड़ा सा पेपर पाउडर है। आप ज्यादा चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं। धीरे धीरे ये गाढ़ा हो रहा है। बाद में आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप ऊपर से एक चम्मच बटर डाल सकते हैं। किसी को इतना प्लेन सूप पसंद नहीं होता तो थोड़ा बटर भी डाला जा सकता है, तो ये और भी टेस्टी लगता है। एक दो उबाल आ चुके हैं यहाँ पर, तो चलिए इसे हम गरम गरम सर्व करते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा स्वीट कॉर्न सूप। आप तो जानते ही हैं कि हम माई इंडियन किचन में बहुत सारी रेसिपीज देखते हैं और आगे और भी देखने वाले हैं। आप हमेशा देखिए माई इंडियन किचन। माई इंडियन किचन को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट्स हो आपके पास तो प्लीज हमें कमेंट्स भेजें।